Hello friends, this is Charu Jain. Welcome to DPSE Learners. इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में. मेरी एक और वीडियो है लेसन प्लान के ऊपर, बट उसमें सिर्फ मैंने फॉर्मेट बताया है कि लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है. बट इस वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कुछ भी हो सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, लेसन प्लान क्या होता है, और थीम बेस्ड लेसन प्लान कैसे बनते हैं, या विदाउट थीम जो सिंपल लेसन प्लान होते हैं वो कैसे बनते हैं. मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दूंगी, तो चलिए देखते हैं. लेसन प्लान पहले मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि होता क्या है और आप कैसे मोल्ड कर सकते हो. मींस एक ही लेसन प्लान को आप अलग अलग क्लासेस में कैसे यूज कर सकते हो. ये लेसन प्लान क्लास फर्स्ट के लिए है और इसका टॉपिक है 5 मेन सीजन्स, और ये किस सब्जेक्ट के अंडर आता है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, मींस ईवीएस. ईवीएस सब्जेक्ट के अंडर ये आता है. अगर आप थीमेटिक अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो थीमेटिक अप्रोच में आपका थीम बेस चली, जैसे थीम आपकी सीजन्स चली, तो सीजन्स थीम में मैंने सब्जेक्ट ले लिया, ये वाला डोमेन हो गई, इसे डोमेन भी बोलते हैं. अगर आपका सिंपल लेसन प्लान है सीजन्स के ऊपर तो ये भी चल जाएगा. अब मैं बात करूं कि आप क्लास वाइज कैसे मोल्ड करेंगे, तो क्लास वाइज मोल्ड करने का ये तरीका है कि टॉपिक तो सेम रहते हैं हर क्लास में, लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ा कंटेंट कम कर देते हैं. मीन्स अगर मुझे प्री स्कूल में सीजन्स पढ़ाना है तो मैं बच्चों को थोड़ा बहुत वर्बली बताऊंगी, मुझे फर्स्ट सेकेंड में कराना है तो मैं थोड़ा रिटर्न में भी कराऊंगी, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी कराऊंगी. ये बात हो गई जनरल. अब मैं बात करूं अगर लेसन प्लान होता क्या है और हम क्यों बनाते हैं. तो लेसन प्लान होता है कि हम किसी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले टीचर अपने लिए कुछ प्रिपेयर करती है कि मुझे बच्चे को ये पढ़ाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन प्लान में बीच में हेडिंग देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि लेसन प्लान कौन सा नंबर का है, लेसन प्लान 1, लेसन प्लान 2, तो वो यहाँ पर आता है. उसके बाद आप नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन, आप अपना नेम लिखेंगी, जिस क्लास में आप वो लेसन प्लान ले रहे हैं आप वो लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक, फिर डेट और फिर ड्यूरेशन. उसके बाद आता है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, कि इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद बच्चे क्या क्या कर पाएंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स बता पाएंगे, वो जान पाएंगे सीजन्स के बारे में और थिंग्स के बारे में, और वो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे सीजन्स के बारे में. ये थे मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव्स. अब मैं बात करूँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे, कि बच्चे एनालाइज करें सीजन्स के बारे में, बच्चे रिलेट करें क्लोथ्स का कि कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स पहने जाते हैं. अब इसका जो नेक्स्ट पेज है, देखिए, कंपेयर्स द टाइप्स ऑफ सीजन, तो मैंने अभी थर्ड इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखा है कि कंपेयर करें बच्चे कि कौन सा सीजन कैसा होता है, किस में क्या किया जाता है. ये हो गया. अब मैं बात करूँ प्रीवियस नॉलेज की, तो प्रीवियस नॉलेज में हम बच्चों को जज करते हैं कि बच्चों को कितना आता है, तो हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू ईट इन समर्स, आप समर्स में क्या खाते हो, विच फूड वी लाइक टू ईट इन विंटर्स, हमें विंटर्स में कैसा फूड खाना पसंद है, हॉट या कोल्ड, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन पूछते हैं. फिर आता है आपका टीचिंग एड्स, कि आपने टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ करे उस लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए, जिससे मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ करे हैं, चौक और डस्टर, तो जो मैं अपना मटीरियल बना रही हूँ जिससे मैं यूज़ कर रही हूँ वो पहले आएगा, उसके बाद ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर आएगा. अब मैं बात करूं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये लिखना है कि पीपल टीचर जो है वो इंट्रोडक्शन देगी, किसका, कि आज वो ये चैप्टर पढ़ाएगी, आज वो ये टॉपिक पढ़ाएगी.
अब यहाँ पर जहाँ आपकी प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे आता है आपका ब्लैक बोर्ड। ये मिनिएचर्स होते हैं, मीन्स जो आप रियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसी का छोटा बनाकर, मिनी साइज बनाकर आपको अपने लेसन प्लान में लगाना होता है। तो ब्लैक बोर्ड पे जो जो आप यहाँ पे फिल करते हो, पूरा ब्लैक बोर्ड एज इट इज आप यहाँ बनाएंगे। जैसे मैंने डेट लिखी, यहाँ पे मेरा पूरा जो अटेंडेंस वाला जाता है, फिर टॉपिक और मैं बच्चों को कैसे पढ़ा रही हूँ वो। तो हो गया ब्लैक बोर्ड। चॉक और डस्टर भी लगता है, लेकिन चॉक डस्टर हम यहाँ लगाएंगे तो फाइल बहुत ज़्यादा बल्कि और मोटी हो जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है, आप बस लिख सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लिखने के भी बहुत वेज होते हैं। आप एक ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में कि आपका सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पे आपका टॉपिक आ गया, या प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर कौन हुआ, आप हुए, उनकी एक्टिविटी कि वो क्या करा रही है, कैसे करा रही है। TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल, कि जो आपने फ्लैश कार्ड या स्टिक पपेट यूज करें आप उसके मिनिएचर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी और रिस्पॉन्स, जब आपने लेसन प्लान पढ़ा दिया तो बच्चों ने क्या क्या रिस्पॉन्स किया, तो कैसे दिया ये आप बाद में देखेंगे कि दे वर लिसनिंग, दे वर सिटिंग अटेंटिवली, ये लास्ट में लिखना होता है। अब मैं एक बार आपको प्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि प्रेजेंटेशन में एक्टिविटी में कैसे लिखेंगे, कि टीचर इंट्रोडक्शन देगी, फिर जिस जिस तरह से आप पढ़ाओगे आपको सारा वो यहाँ पर नोट डाउन करना होता है। और आपका जो ये पेज होता है ब्लैक बोर्ड वाला, ये प्रॉपर टेप के साथ होगा, प्रॉपर इसका बॉर्डर बनेगा। अब मैं बात करूं, ये सारी हमारी प्रेजेंटेशन चलती रहेगी। ये हो गए मिनिएचर्स, जैसे मैंने अगर स्टिक पपेट यूज़ किया है तो मैंने स्टिक लगा दी और उसकी पिक लगा दी, तो ये मेरे स्टिक पपेट्स के मिनिएचर्स लग गए हैं और ये मेरी पूरी प्रेजेंटेशन चलती जा रही है। तो प्रेजेंटेशन ये मेरी फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग है, इसलिए बड़ी है। अगर मुझे ये लेसन प्लान नर्सरी में कवर करना है, मैंने पहले भी बताया, मैं अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी छोटी कर दूंगी, क्योंकि बच्चे इतना अटेंटिवली नहीं बैठते नर्सरी क्लास के। तो मैं वन बाय वन बच्चों को सारे सीजन्स कराऊंगी और यहाँ पर स्टिक पपेट्स लगाऊंगी। अब आप बोलेंगे कि ये तो प्रिंट हुए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट हुए हुए लगाएं, आप अपने हैंडमेड भी लगा सकते हैं। किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो प्लेन प्रिंट आउट लेके खुद कलर करके भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ये हो गई हमारी पूरी प्रेजेंटेशन, और आप प्रॉपर टेप के साथ बॉर्डर बनाएंगे। प्रेजेंटेशन के बाद होता है आपका रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में हम बच्चों को जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो वो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे विद आंसर्स। फिर आता है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट नर्सरी के जी को नहीं जाता है, फर्स्ट सेकेंड से स्टार्ट होता है, तो असाइनमेंट में आप जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देंगे, तो वो भी यहाँ पर आएंगे। होम असाइनमेंट पूरा रेगुलर चलता रहेगा। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन टू होम असाइनमेंट का। फिर टीचर्स रिमार्क्स, टीचर्स रिमार्क्स मतलब जो आपकी कोऑर्डिनेटर होगी या जो आपकी हेड होगी वो यहाँ पर आपको रिमार्क्स देगी कि आपने कैसा वो डिलीवर किया लेसन प्लान। फिर यहाँ इस साइड होगा आपका प्यूपिल टीचर सिग्नेचर, आपके साइन, और इधर होंगे सुपरवाइजर सिग्नेचर, जिसने लेसन प्लान आपका सुपरवाइज किया था। तो ये था आपका लेसन प्लान, कि हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और क्लास वाइज हम लेसन प्लान को कैसे मॉडिफाई करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लेसन प्लान से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना बताऊँ और लाइव एग्जाम्पल दिखाऊं, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।